अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बना रहे हैं केक डोनट। केक डोनट बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 4 छोटे चम्मच हमने दही लिया है, 1 अंडा, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर। डेकोरेट के लिए हमने खोबरे का बारीक पाउडर लिया है, खसखस ली हमने और शक्कर 1/2 कप, तेल है और ये कैडबरी है चॉकलेट, ये वाइट वाली चॉकलेट है। और ये डेकोरेट के लिए हमने स्प्रिंकल लिए। अभी देखिए हम किस तरह डोनट बनाते हैं। अभी एक बर्तन में हम 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें अंडा भी डालेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर हम शक्कर भी डालेंगे, दही भी डालेंगे। शक्कर पिघलने तक हम अच्छी तरह इसको, इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी डाल देंगे। अच्छी तरह शक्कर पिघलने तक मिलाते रहेंगे। इसमें हम 2-3 बूंद वेनिला एसेंस भी डाल दें। शक्कर हमारी पिघल गई है, अब इसमें आटा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डालेंगे। बाकी में बचा मैदा भी हम थोड़ा डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर अभी हमने चम्मच हटा दिया। अभी हम हाथ से अच्छी तरह से बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं केक डोनट। आटा गूंद के तैयार है, हम इसको 10 मिनट तक ढकते रहेंगे। ये व्हाइट वाली चॉकलेट ली है मैंने और ये चॉकलेटी वाली। अब हम इसको पिघला लेंगे। गैस पे मैंने पानी गरम को रख दिया था, अभी हम इसको इस तरह से मैश कर देंगे। देखिए हमारी चॉकलेट किस तरह से मेल्ट हो रही है। देखिए हमारी व्हाइट वाली चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको हटा कर तो भी हम मेल्ट हो गए। पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया है, बच गई ना तो मैं इसको डीप फ्रिज में रख देती हूँ, दोबारा इस्तेमाल में ला। ये चॉकलेट भी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको भी उतार दें। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम डोनट बना लेंगे। आटे को हम 2 हिस्सों में रख लेंगे और किचन के प्लेटफॉर्म पे हम बना लेंगे। थोड़ा सा आटा डालेंगे। ज़्यादा पतली नहीं बनाना है हमको, मोटी मोटी बनाना है। इस तरह से हमने रोटी बना ली है, अभी हम इसको
डोनट का शेप देंगे। डोनट का शेप देने के लिए हमने एक बॉटल का ऐसा ढक्कन लिया है, इसको भी बीच में से ऐसा ये देखिए हमारे डोनट बन के तैयार है। बाकी सब भी हम इसी तरह से बना लेंगे। 2 कप में हमारे इतने डोनट बने हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में हमने तेल गरम को रख दिया है, अब हम इसमें डोनट फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे डोनट इस तरह फ्राई हो गए। अब हम इसको पलट लेंगे। डोनट हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये जो क्रैक आ रहे हैं ना, ये केक डोनट की निशानी है। डोनट हमारे फ्राई करके तैयार है, अभी हम इसको चॉकलेट में डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट में डेकोरेट कर डेकोरेट कर अगर आपके पास डेकोरेट का सामान नहीं है तो आप खसखस, काजू, बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये खोबरे का पाउडर, सूखे नारियल का पाउडर, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे केक डोनट बनके तैयार है। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।